हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसका क्वेश्चन नंबर 5 कवर अप करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनलिंग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 5। आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो आपको कोई भी 5 पॉइंट है ना इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के, प्लानिंग की क्या इम्पॉर्टेंस है उसके 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो ये आप आंसर स्टार्ट करोगे तो आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना होगा एंड फिर आपको इम्पॉर्टेंस लिखने होंगे एंड उसके बाद में आप एक और दो लाइन के साथ आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो यहाँ पर प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है प्लानिंग। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। सारे के सारे फंक्शंस का नंबर बाद में आता है, सारे के सारे फंक्शंस है वो प्लानिंग पे बेस्ड है। इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। एडवांस में हम है ना क्या करने वाले हैं उसको हम प्लान आउट करते हैं, क्या करेंगे वो एडवांस में हम डिसाइड करते हैं। सो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, हुआ दिमाग का खेल, हुआ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। सोच समझ कर विचार करने के बाद में रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है। फिर आपको एक छोटी सी जो आप जो भी कंफर्टेबल लग रही हो एक डेफिनेशन आपको दे देनी है प्लानिंग में। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जेम्स टर्नर का क्या कहना है कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। प्लानिंग क्या है, ये प्रोसेस है गोल्स को एस्टैब्लिश करने का, इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। एक तैयार करना पूरा कोर्स ऑफ एक्शन, पूरा प्लानिंग तैयार करना कि किस तरीके से क्या क्या काम होने वाला है फॉर अचीविंग दीज गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, किस तरीके से वर्कआउट होगी प्लानिंग, तो उसके लिए पूरा कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करना, पूरा प्लानिंग तैयार करना। नाउ इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कोई भी 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ये है ना क्लियर ऑब्जेक्टिव सेटअप करता है प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो ये बता देता है। तो प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग्स, कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। और है ना उसके लिए फॉर्मूला, मतलब उसको फॉर्मुलेट करना, उसको प्रिपेयर करना प्लान को अचीव करने के लिए, जो प्लान हम तैयार करेंगे उसको अचीव करने के लिए सेटअप करना। तो प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। इट हेल्प्स मैनेजर्स, ये किसको हेल्प करता है, तो मैनेजर को हेल्प करता है टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेजेंट कंडीशन क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है ऑर्गेनाइजेशन की एंड वर्तमान स्थिति क्या है ऑर्गेनाइजेशन की एंड ऑन दैट बेसिस, और उसी बेसिस पे, ऑन दैट बेसिस इट टू आइडेंटिफाई, और उसी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना, उसी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना the ways of attaining the desired position in future। कि फ्यूचर में हमको कौन सी पोजीशन हमारी फर्म के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें अचीव करनी है, अटेंड करनी है, हमें टारगेट को अचीव करना है, ये डिसाइड करने का, ये एनालाइज करने का मतलब काम होता है वो प्लानिंग करता है। तो ये क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करके देता है प्लानिंग, क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करके देता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। पाथ मतलब रास्ता तैयार करना, पाथ मतलब वे, प्रोवाइडिंग वे ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग एंश्योर्स, ये एंश्योर करता है, इट हेल्प्स दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड, वो क्लियरली बताए गए हो, क्लियरली साफ शब्दों में वो है ना स्टेटमेंट बताए गए हों कि क्या हमें अचीव करना है। दे एक्ट एज अ गाइड, ये गाइड की तरह काम करता है प्लानिंग एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम करता है फॉर डूइंग द राइट थिंग्स, राइट काम करने के लिए, राइट थिंग्स एट राइट टाइम्स, राइट समय पर एंड विथ राइट वे, और सही रास्ते से, सही तरीके से, मतलब सही तरीके से काम को करने में ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है प्लानिंग। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज को हेल्प करता है टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है एंड व्हाट दे मस्ट डू, और उन्हें क्या करना चाहिए एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज को क्या बताता है,
कि आप ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है एंड वो पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू मस्ट डू करके. देन प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, प्लानिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. तो इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर परफॉर्मेंस आने वाले समय में उनके जो कामकाज का जो रिजल्ट है वो उन्हें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि यहाँ पे है ना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ना वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, मतलब प्री प्लान प्री डिटरमाइन किए जाते हैं एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन और उसको कम्प्लीट करने के लिए तरीका कोर्स ऑफ वे यूज में लाते हैं, लाने का काम सिलेक्ट करने का काम प्लानिंग करता है. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ये है ना प्लानिंग है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होती है. प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए हेल्प करता है प्लानिंग ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग. अगर अच्छे से प्लानिंग होगी तो द एम्प्लॉयज कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइंस, जिस तरीके से उनको गाइडलाइंस मिली है, उनको जिस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया गया, डायरेक्शन मिली है, उसके बेस पे फिर एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं ना कि हम वी से ना हाफ गुड प्लानिंग मीन्स हाफ डन, बेस्ट प्लानिंग मीन्स हाफ डन. तो अगर प्लानिंग अच्छी होती है तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है. सो दिस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इनटू, इसकी वजह से फिर क्या होता है जो परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है एम्प्लॉयज की एंड उसके वजह से फिर हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हायर प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, अचीव कर पाता है ऑर्गेनाइजेशन. आई होप आपको समझ में आ रहा है. नाउ फोर्थ वन इज व्हाट मिनिमाइजेस द रिस्क, रिस्क को मिनिमाइज करने का काम करता है. तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फेस सम रिस्क, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो मतलब आपको रिस्क तो साथ में लेके चलना ही है, फेस करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रिस्क आपको उठानी ही पड़ेगी. तो प्लानिंग एनेबल्स, प्लानिंग हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू फेस अनसर्टेन रिस्क, अनसर्टेन जो है ना बिना बताए जो गलती जो है ना अचानक जो रिस्क आ जाती है, तो इट कैन नॉट एलिमिनेट, ये पूरा का पूरा प्लानिंग उसको जीरो नहीं कर सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता है किसको, रिस्क को, बट कैन प्रिडिक्ट, लेकिन ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर इवेंट्स को एंड मेक प्रोविजन फॉर देम एंड उसके लिए फिर वो उसी हिसाब से रिजर्व्स मेंटेन करके रख सकता है. जैसे आपने अकाउंटेंसी बीके में हमने पढ़ा है ना डेटर्स के ऊपर हम RDD कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हम कैलकुलेट करते हैं. तो ये किस लिए होता है, ये इसीलिए होता है ना कि अगर किसी बंदे ने किसी हमारे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो मतलब हर साल हमको 5% का 4% का घाटा लगता है, कोई ना कोई पैसा नहीं देता है, डेटर पेमेंट नहीं करता है, तो ये प्रोडक्शन. तो इसी तरीके से है ना प्लानिंग इट कैन नॉट एलिमिनेट, ये पूरा का पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रिडिक्शन में हेल्प कर सकता है फ्यूचर इवेंट्स के प्रिडिक्शन में और उसके हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली हम प्रोविजंस रख सकते हैं. सो प्लानिंग सीक्स टू मिनिमाइज, तो प्लानिंग क्या करता है, रिस्क को कम करने का काम करता है, मिनिमाइज वाइल टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो जब तक कोई अपॉर्चुनिटी सामने दिखाई देती है तो उसको हम काम में लेके अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके और प्लानिंग की वजह से हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, बिजनेस में जो आने वाले रिस्क है अनसर्टेन रिस्क है उनको कम कर सकते हैं. सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. तो ये है ना आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में जो जो मुश्किल आने वाली है बिजनेस में, जो भय होने वाला है बिजनेस में किसी भी कारण से अनसर्टेन रिस्क की वजह से, तो उसको आइडेंटिफाई करने में और उस रिस्क को दूर करने के लिए उस समय जो अपॉर्चुनिटीज है उनको कैसे ग्रैप करना है, तो प्लानिंग हेल्प करती है. नाउ फिफ्थ वन इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. तो दीज आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट कि फॉर अचीविंग गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग हेल्प द मैनेजमेंट, प्लानिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए. बहुत सारे देर आर वेरियस दीज नहीं यहाँ पे आएगा, देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे हैं ना अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मैनेजमेंट के सामने. तो अकॉर्डिंग टू जिस तरीके का ऑप्शन मैनेजमेंट को चाहिए
उस तरीके से वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स। हाँ ना, उसको मतलब लॉजिकल थिंकिंग हमको यूज करना है, लॉजिकल प्रोसेस होता है प्लानिंग, तो राइट, तो रैशनल थिंकिंग होती है इसमें। तो यहाँ पे सोच समझ कर किस चीज से फायदा होगा, किस चीज का नुकसान होगा, नेगेटिव आउटकम्स किस चीज का होगा, वो हमें देखते हुए हमको ऑल बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने में हेल्प करता है प्लानिंग। सो डिसीजंस आर टेकन, फिर डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सर कौन सा वे, कौन सा पथ, कौन सा वे है ना, प्लानिंग की वजह से पता चलता है कि कौन सा पथ है ना फर्म को यूज करना है टू अचीव द गोल। कौन से गोल, प्री डिफाइंड गोल, जो पहले से प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं, पहले से प्री डिसाइडेड गोल होते हैं, उनको अचीव करने में हेल्प करता है। सो इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजन, सही यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है मैनेजमेंट को प्लानिंग। तो इस तरीके से ये प्लानिंग के 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एनी 5 आप लिख सकते हो, मुझे जो ठीक लगे 5 बेस्ट पॉइंट्स मैंने आपको दिखा दिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो आपको 5 पॉइंट्स लिखना, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, तो आपको इन शॉर्ट फटाफट लिख देना है, छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना है। तो आंसर 2, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टूगेदर सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसे पाने के लिए, गोल को, टारगेट को पूरा करने के लिए उन्हें अरेंज करना, उनको ग्रुपिंग करना, प्रॉपर ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। सो दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये एग्जीक्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको काम को शुरुआत करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय, जिसे कौन प्रिपेयर करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। ये कौन से प्लानिंग को टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है, इम्पॉर्टेंट है। सो द सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क फ्लोस। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन हम बोले तो 2-3 एक्टिविटीज को एक साथ लाकर, उनको एक साथ मिक्स कर कंबाइन कर उसे इम्प्लीमेंट करना कोऑर्डिनेशन के साथ। तो एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर एस्टेब्लिश इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कफोर्स मतलब एम्प्लॉयज एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को भी सेटअप किया जाता है, प्रोसेस में यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नाउ इम्पॉर्टेंस पे आते हैं, तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट, फैसिलिटेट्स मतलब इट हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। फैसिलिटेट्स मतलब इट हेल्प्स टू हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, लीड्स टू आइडेंटिफाई, ये है ना आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हेल्प करता है, लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज, एंड एक्टिविटीज को ग्रुपिंग के लिए यूज में लाया जाता है। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसका टास्क होता है, किसका काम होता है, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग, तो ये ऑर्गेनाइजिंग का। वेयर एज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, हेड डिपार्टमेंट का काम होता है। वेयर एज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड ये जो प्रोसेसिंग ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज होता है एम्प्लॉयज, उनके अंडर लेवल का, जो उनके अंडर में काम करने वाले होते हैं। तो दस ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज ऑपरेट होती है उनमें भी ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है। नाउ सेकेंड वन, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क, ये क्या होता है, नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ वॉट, तो नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स इन विच द वर्क इज डिवाइडेड, जिसमें है ना काम काज डिवाइडेड होता है, बांटा जाता है, हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, असाइन किए जाते हैं इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, कौन सा यूनिट कौन सा डिपार्टमेंट है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, एंड दिस डिविजन ऑफ वर्क मतलब टुकड़ियों में बांटा जाता है। दिस डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन। तो ये है ना उनके स्किल एंड उसके एबिलिटी के हिसाब से काम डिवाइड होता है, राइट, इन द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू
अगर हम जो जिस काम के लायक है राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट राइट प्लेस वाली पॉलिसी के साथ ही होगा तो लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, तो उससे जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगी। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, डिफाइंस द जॉब्स प्रॉपरली। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग है वो जॉब्स को सही तरीके से डिफाइन करने का मतलब बताने का काम करता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो लोग चाहिए है, पीपल चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए है, दे विल बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके स्किल एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल हेल्प इन द डिफाइनिंग द जॉब्स। दिस क्या ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है इन डिफाइनिंग द जॉब्स प्रॉपरली एंड क्लैरिफाइज विच क्लैरिफाइज द रोल ऑफ अ पर्सन, और उस बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को क्या करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी गोल को, उसके रोल को भी यहाँ पर क्लैरिफाई करने का काम करता है। नाउ फोर्थ वन, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन हकदार है, किसको जिम्मेदारी है, राइट है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द रोल टू एवरी मैनेजर, हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को उसका रोल बताने का काम करता है, डिफाइन करने का काम मतलब बताने का काम करता है। एंड दिस कैन बी डन बाई, किस तरीके से किया जाता है ये, तो डेलीगेटिंग द अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी दी जाती है, उनके ऊपर जवाबदारी दी जाती है कि भाई तुम्हें ये तुम्हारा तुम्हें ये पावर है, अथॉरिटी मतलब पावर, तो आपको ये पावर है। और फिर वो जब अगर पावर दिया है तो उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी ना, जवाबदारी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। तो अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लेरिफाइंग द वे, और उसे है ना उनका रास्ता उनको क्लेरिफाई करना कि वो किस तरीके से अपने पावर को यूज करेंगे। क्लेरिफाइंग द वे ही हैज टू एक्सरसाइज दोज पावर्स, अथॉरिटी अपनी कैसे यूज करेंगे, अपने पावर को कैसे यूज करेंगे, वो भी क्लेरिफाई करने का काम करता है। सो दैट मिसयूज, तो उससे क्या होगा, मिसयूज नहीं होगा ऑफ पावर्स, डज नॉट टेक प्लेस, पावर्स का मिसयूज नहीं होगा। एंड वेल डिफाइंड जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प्स इन, और अच्छे तरीके से जो जॉब्स डिफाइंड जॉब्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, वो हेल्प करते हैं ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इनटू मैनेजर्स वर्किंग, मैनेजर्स के वर्किंग एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट लाते हैं। एंड दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली है ना प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, और जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। नाउ लास्ट वन, फिफ्थ पॉइंट, एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करने का काम करता है। तो दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप्स अमंग पोजिशंस। ये क्लियर कट रिलेशनशिप बताता है पोजिशंस, कौन से पोजिशन मतलब कौन कौन से लेवल पे किसका क्या क्या रिलेशनशिप्स है, किस तरीके से उनको अथॉरिटीज का यूज करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज का यूज करना है। एंड एंश्योर्स म्यूचुअल कोऑपरेशन, और इट हेल्प्स इन म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, कोऑपरेट करना अमंग इंडिविजुअल्स। एंड कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है उनके स्मूथ फंक्शन के लिए सारे के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के एंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। देन ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल एंड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस तरीके से आपको आपका ये जो आंसर है वो कंप्लीट करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट दो एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। उसके बाद शायद एक 5 और है, तो 3, 4, 5 एंड उसके बाद में आपको जस्टिफिकेशन के मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।